नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप सभी का मेरे इस नए चैनल पर स्वागत है। ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें मैंने पुणे से लोनावला और अलीबाग बीच का ट्रिप कवर किया है। ये पूरा वन डे ट्रिप था। लोनावला जाने का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, पर लॉकडाउन के बाद हम लोग वन डे ट्रिप के लिए प्लान जरूर कर रहे थे और पुणे से लोनावला नजदीक पड़ता है, तो इसीलिए हम लोगों ने मूड बनाया कि अच्छा ठीक है लोनावला चलते हैं। वैसे अभी कोई सीजन नहीं है, आपको वहाँ पे जुलाई एंड के बाद से सीजन माना जाता है लोनावला जाने के लिए, पर ठीक है हम लोगों को वन डे ट्रिप लेना था तो हम लोग लोनावला के लिए निकल गए। तो हम लोग सुबह के 7 बजे पुणे से लोनावला के लिए निकले थे और वहां पे हम लोग सबसे पहले बूशी डैम पर पहुंचे 9:30 बजे। तो बूशी डैम में पानी बिल्कुल लेवल पर था, जो एक जुलाई एंड के बाद से बारिश पड़नी शुरू होती है और जो काफी पानी का फ्लो होता है और सभी इंजॉय करते हैं, वैसा कुछ नहीं था, पानी कम था। पर ठीक है, मतलब आप बोर नहीं होंगे अगर आप लोनावला जा रहे हैं, तो आप बोर नहीं होंगे, हिल स्टेशन है, चीजें देखने में आपको मजा ही आएगा। तो इससे पहले कि आप सभी मुझसे बोर हो जाएं, मैं आप सभी को ले चलती हूँ व्लॉग की तरफ। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि काफी लोग ये सर्च करते हैं कि वो व्लॉगिंग का काम या यूट्यूब का काम फोन से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, मतलब उन्हें लगता है ऐसा कि क्या कैमरा ही चाहिए होता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, ये पूरा व्लॉग पूरा ट्रिप मैंने फोन से ही कवर किया है, फोन से ही शूट किया है। ना ही मेरे पास माइक्रोफोन था, ना ही मेरे पास ट्राईपॉड था, हाथ में बस ऐसे कैमरा लेके, ऐसा फोन लेके ऐसे ही मैंने शूट किया है। तो आपको इस वाले व्लॉग से आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, बस आपका फोन है, तो व्लॉग आप अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और अगर अच्छा कर सकते हैं, मतलब कि मेरा ये व्लॉग अच्छा बना है, तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। तो अभी बिना किसी देरी के व्लॉग की तरफ। आगे जाके लिफ्ट लग गया और फिर आगे जाकर के उधर से रोड, ये इधर पुल है, पुल के ऊपर से चढ़ के ऊपर जाते हैं। तो आज से 9 साल पहले हम यहाँ आए थे। हेलो गाइस, कॉर्न खा लो। तो आपने देखा ही कि बूशी डैम में तो अभी कुछ भी नहीं है, पूरा सूखा हुआ है, ये आप देख सकते हो पूरा। तो अगर आप फरवरी में या आगे प्लान करने वाले हो, तो अगस्त तक तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये देखिए। पर फिर भी अब हम टाइगर पॉइंट जाने वाले हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा ही, तो चलिए चलते हैं।
तो बुशी डैम के बाद हम लोग लायंस पॉइंट पर आ गए हैं। डे पूरा सनी है और टाइम हो गया है 10। अभी हम सुबह के 10 बजे लायंस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। कहा जाता है कि क्योंकि मैं पहली बार ही लोनावला आई हूँ और जब सीज़न पे आफ्टर मैं यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी फॉगी रहता है, जो कि अभी नहीं है, और फॉगी टाइम में और भी अच्छा लगता है ये सब देखने में। पर नेचर तो कभी भी देखने में अच्छा ही लगेगा। आज भी अच्छा लग रहा है, आज भी हम काफ़ी इंजॉय कर पा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ दिखा सकूँ। तो चलिए देखते हैं। दस बजे आए थे हम लोग लायंस पॉइंट पर और अभी हम जा रहे हैं टाइगर्स पॉइंट की तरफ। यहाँ पर काफ़ी कुछ देख लिया है, थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लिया है, तो अब जा रहे हैं टाइगर्स पॉइंट की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो जब भी आप लायंस पॉइंट और टाइगर्स पॉइंट विजिट कर लें तो उससे थोड़ी सी गाड़ी को आप आगे बढ़ाइए तो ये एक प्लेस है, मतलब यहाँ पर कोई बैरिकेटिंग नहीं है और बहुत ही अच्छे से आप पूरा ये व्यू विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब मुझे तो ये टाइगर और लायंस पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। बस दिक्कत यही है कि आप यहाँ पर किसी बुज़ुर्ग को या बच्चे को यहाँ पर नहीं ला सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि बैरिकेटिंग नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप दो लोग हैं या सभी यंग हैं और थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं हिली एरिया पर, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़िए टाइगर और लायंस पॉइंट से, थोड़ा सा आगे बढ़िए गाड़ी रोक के, और ये बहुत ही अमेजिंग जगह है, यहाँ पर ज़रूर आइए। तो अब देखते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें और कवर कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने लोनावला रेलवे स्टेशन के पास जो भी चीज़ें थी वो सारी कवर कर ली हैं। हम लोग सुबह 9:30 बजे के करीब लोनावला पहुंचे थे। तो सबसे पहले हम लोग बुशी डैम हम लोगों ने विज़िट किया, तो आपने देखा ही कि उसमें वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। उसके बाद हम लोग लायंस पॉइंट पे चले गए थे, वहाँ पे पूरा व्यू देखा और उसके बाद थोड़ा सा स्नैक्स लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग टाइगर्स पॉइंट की तरफ निकले थे, लेकिन फिर गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ गई क्योंकि पहली बार ही लोनावला आए हैं, तो वहाँ पे एक रैंडम पॉइंट था जहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं थी। मैं दूसरी बार जहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं थी, तो वो काफी अच्छी जगह थी, मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, आप उस जगह जरूर जाइए। और वहां से काफी अच्छा व्यू मिला जो हम एक पहाड़ देखते हैं उसका। तो उसके बाद टाइगर्स पॉइंट पे जाना मुझे इतना जरूरी नहीं लगा, तो वो चीज हमने स्किप कर दी, मतलब हम टाइगर्स पॉइंट पे नहीं गए। उसके बाद हम लोग वापस लौटे और लोनावला रेलवे स्टेशन के पास एक मॉल है जिसमें सुनील्स वैक्स म्यूजियम है, तो वो अच्छे से कवर कर लिया हम लोगों ने। अभी टाइम हो गया है 1:30 बज गए हैं और 1:30 बजे तक में हमने सब चीजें बिल्कुल भी हड़बड़ नहीं की, बिल्कुल आराम से हम लोगों ने सब चीज को कवर किया। और सेम मॉल में ही मैकडी था, तो आप चाहे तो वहाँ पे कुछ खा सकते हैं। हम लोगों ने भी हल्का फुल्का ले लिया और स्वराज को भी खिलाना जरूरी था, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्वराज को खिला दिया, उसकी भी बैटरी चार्ज रहेगी तो ट्रिप थोड़ा अच्छा रहेगा। तो अभी 1:30 बजे हैं और 1:30 बजे से 5-6 बजे तक आपके पास पूरा टाइम है। यहाँ पे कुछ फोर्ट्स भी हैं लोनावला में, वो सब आप देख सकते हैं। एक नारायणी धाम है, टेंपल है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं।
पर मेरे पास 3 जन हैं जिसमें से 2 की वोटिंग जा रही है कि अब हमें अलीबाग बीच चल लेना चाहिए। यहाँ से वहाँ का रास्ता 2.5 घंटे बता रहा है, तो हम 4 बजे तक या 4:15 तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो नाउ वी आर हेडिंग टू अलीबाग बीच, सी यू देयर। बीच पहुंच गए, वहां पे हम लोग 4:30 बजे शाम के पहुंचे थे और 2 से 2.5 घंटे हम लोगों ने बीच पर ही एंजॉय किया। अलीबाग में काफी सारे फोर्ट्स वगैरह भी हैं, पर फोर्ट्स वगैरह घूमने का मतलब था कि हम स्वराज को काफी थका दें, तो वो हम लोग नहीं चाहते थे। और स्वराज का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था बीच का और उसको बहुत ही मजा आ रहा था, तो उसके लिए हमने उसको बीच पर ही मजा करने दिया। 4:30 बजे से 6:30 बजे तक हम लोग अलीबाग बीच पर रहे और उसके बाद पुणे के लिए निकल गए। वहां से अलीबाग बीच से पुणे आने में 4 घंटे लग जाते हैं, तो हम लोग वही 11:30 बजे तक रात को पुणे पहुंच गए थे। इस बीच में हमने रात को डिनर भी किया था और उसके बाद हम लोग 11:30 बजे पुणे पहुंच गए थे। तो सभी इतना थक गए थे कि ब्लॉग को उस टाइम पे एंड करना पॉसिबल नहीं था, काफी थक गए थे। मतलब नींद तो ऐसी आई थी उस दिन की पूछो मत, लेकिन मजा भी सभी ने बहुत किया। तो वन डे ट्रिप में हम लोग लोनावला भी गए और अलीबाग बीच भी गए। और आगे आप भी अगर कुछ प्लान करने वाले हैं और अगर आप मुझसे पूछें कि अगर मैं कंपेयर करके बताऊं, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अलीबाग बीच ही अभी जाएं, तो वहां पे आपको ज्यादा मजा आएगा। मजा लोनावला में भी आएगा, पर अगर दोनों को कंपेयर करना हो तो मैं आपको अलीबाग बीच ही सजेस्ट करूंगी, आप वहां पे जा सकते हैं। और इस एक दिन के ट्रिप में मेरा कितना खर्चा हुआ, पूरा कितना बजट था लोनावला और अलीबाग बीच जाने का, खाने से लेके पेट्रोल से लेके अगर टिकट भी लगा है, पार्किंग वगैरह सब कुछ का जो एक बजट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां पर आप जरूर जाके चेक कर लीजिए। और अगर आपको मेरा ये पहला व्लॉग देख के मजा आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ ठीक है, मुझे आगे भी व्लॉगिंग करनी चाहिए। आई विल पोस्ट माई नेक्स्ट व्लॉग व्हेन माई चैनल विल हैव 60 सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। 60 सब्सक्राइबर जिस दिन भी हो जाएंगे मैं अपना सेकेंड व्लॉग पोस्ट कर दूंगी उस दिन। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ, अगर आपको कुछ पूछना था अलीबाग या फिर लोनावला के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए, वहां पे मैं आपको आंसर कर दूंगी। अगर मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी जो कि मैं आपको दे सकती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए उस चीज को। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नमस्ते। तो आपके लिए है ये वीडियो, ये पूरा व्लॉग मैंने फोन से।